नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज चैनल से धर्मवीर योगी के साथ। आज हल्का समहलका के ग्राम पौटी के अंदर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक संस्कृति प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व रिटायर्ड अजमेर मास्टर जी ने अपने भजनों से समा बांधा। इस मौके पर साहब सिंह प्रिंसिपल सेकेंडरी स्कूल के व उनके साथ प्रोफेसर रविंदर व गांव के सरपंच नवरत्न सिंह व JJP के बुद्धि प्रकोष्ठ के हल्का समालका के अध्यक्ष राम नारायण पंचाल ग्राम वासी आदि मौजूद रहे। इंडिया में स्वागत है। थैंक यू सर। आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में आज ये संस्कृति प्रोग्राम किया गया, आयोजित किया गया, इसके बारे में क्या कहना, थोड़ा सा संबंध में बताइए। मैं सबसे पहले तो प्रिंसिपल साहब का, साहब सिंगा जी का धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने मेरे को 1-1.5 घंटे का टाइम दिया, ये कीमती टाइम है बच्चों का, और इन्होंने जो है मेरे को जो टाइम दिया है इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी हमारे को इसी तरह से टाइम देते रहेंगे। हमारा मुख्य जो उद्देश्य है ये यही है कि बच्चों का भला, बच्चे स्वस्थ रहें, बच्चे जो हैं उनका चरित्र निर्माण हो, उनमें अच्छी शिक्षा हो, नकल की प्रवृत्ति से बच्चे जो है दूर हटके रहें, असली बने बच्चे, नकली न बने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी के साथ हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल जुड़ गए। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर आज आयोजित प्रोग्राम किया गया बच्चों को, आपको इसके बारे में दो शब्द आप भी कहिए। देखिए आज हमारे विद्यालय में आदरणीय अजमेर जी जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, उनसे हमने अनुरोध किया था कि आपका एक लंबा अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में, आप अपने अनुभव को हमारे बच्चों के बीच शेयर करें, संस्कार रूपी चीज़ें इन बच्चों को दें, जिससे कि बच्चों का जो भविष्य है उसका निर्माण हो सके, वो अच्छे नागरिक बन सके। ठीक है, शिक्षा हम दे रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ ये बातें भी ज़रूरी थी, मेर जी ने अपने बच्चों के साथ साझा किया है, अच्छा लगा। हम अनुरोध भी करते हैं आदरणीय अजमेर जी से कि वो समय समय पर आकर विद्यालय में बच्चों को प्रेरित करते रहे, उनको अच्छी अच्छी बातें बताते रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं JJP अध्यक्ष रामरेन पंचाल। ये हमारा पूरे हल्के में प्रोग्राम रहेगा, स्कूलों में जाएंगे, बच्चों को मोटिवेशन करेंगे, संस्कारित शिक्षा पे बच्चों को बताएंगे, दूर रहें, अपने सांस्कृतिक जीवन का अच्छी तरह से पालन करें, चरित्र निर्माण होगा जिससे बच्चों का उज्ज्वल भविष्य है कि उन्मुख होंगे। बस आदरणीय प्रिंसिपल साहब मेर जी ने जो है आज जो बच्चों को रागिणी के माध्यम से जो शिक्षा प्रदान की है उसका जीवन में बहुत ही महत्व है, और इसका असर समाज पर पड़ता है, जिससे समाज सुधारने में सहयोग मिलेगा, और बच्चे आज जो गलत रास्ते पर चले जाते हैं उनको सुधारने में अजमेर जी जो है काफ़ी एक अच्छी मुहिम चला रहे हैं, और हम समय समय पर इनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं, और जिससे समाज में बहुत सुधार जो है कार्यक्रम चल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।